हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज हम बात करने वाले हैं गुड वाइब के इस ऑलिव मेकअप क्लीनअप के बारे में। ये किस तरीके से आपके स्किन को नरिश करता है, साथ ही इसके अंदर क्या है जो आपकी स्किन के लिए बेनिफिट देगा, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसको ओपन करेंगे, इसका कलर हल्का ग्रीन कलर है इसका, और ये ऑलिव से बना है तो वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो चीज़ ऑलिव की होती है या जिसमें ऑलिव ऑयल होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये आपकी स्किन को नरिश करेगा। मेकअप रिमूवल है बहुत अच्छा, अगर आप इससे मेकअप रिमूव करते हैं तो भी सब होगा। आज मैं आपको अपना मेकअप रिमूव करके दिखाती हूँ। और इसके मेकअप क्लिंजिंग लोशन, ये है गुड वाइब्स का, पर्पल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इसको आप यूज कैसे करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके आप जैसे बहुत ज्यादा आपने मेकअप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ आपकी स्किन ख़राब है और फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है मेकअप करने की वजह से, तो आप ये क्लिंजिंग मेकअप यूज़ कर सकते हैं। बहुत स्किन को आपको नरिशमेंट देगा, साथ ही आपकी स्किन की टोन को भी इवन रखेगा। और आप में इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑलिव से भरपूर, सारी ऑलिव से भरपूर है ये, और हेल्दी है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश रखता है, सिल्की स्किन हो जाती है आपको इसको यूज़ करने के बाद। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है, अपने हाथ में ले लीजिए। और उसके बाद आपको इसमें जो लिखा है वो लिखा है आपको पहले फिंगर से इसको लेना है, अपने फेस पर लगाना है, देन कॉटन पैड की मदद से इसको आपको अपने फेस को क्लीन करना है। और आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आईज़ को आपको बंद रखना है। अगर किसी कारण से आपकी आईज़ में ये जाता है तो आपको फटाफट से अपनी आँखों को पानी से धो लेना है। अब इसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए इस तरीके से मैंने फिंगर्स में इसको ले लिया है। अब मैं पूरे फेस पर इसको लगाऊंगी। बिल्कुल क्लीन फेस हो गया है। आप चाहें तो पानी से धो सकते हैं, पूरा मेकअप साफ हो जाता है इससे। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका CTM में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ टोनर यूज़ कर सकते हैं, बाद में स्किन में मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। CTM करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फेस को आपको क्लिंजिंग करना होता है, फिर टोनर लगाना होता है, देन उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए। आगे मैं आपको इसके साथ CTM का भी बताऊंगी, आपको किस तरीके से CTM करना है। यूज़ कर सकते हैं इसको अपने रेगुलर में, या जैसे आप नाइट में CTM करते हैं तो आपको सबसे पहले क्लिंजिंग करना होता है, साथ ही टोनिंग करनी होती है अपने फेस की, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके साथ आपको एक CTM का प्रोसेस भी दिखाऊंगी करके। और अभी आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने फेस बिल्कुल क्लीन किया है, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पे, बिल्कुल फेस साफ हो जाता है। सारा दिन भर की जितनी भी डस्ट है वो भी आपकी दूर हो जाती है। आप इसको चाहें तो यूज़ करने के बाद फेस धो सकते हैं, वैसे पानी से आपको सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छा है आपकी स्किन में, स्किन हेल्दी हो जाती है, आपकी स्किन को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचता। और आप इसको ले सकते हैं पर्पल वेबसाइट से। मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने टोनर का भी यूज़ किया है, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप इसको CTM के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।